गाइस वेलकम बैक, मैं हूँ लीना। सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फ्रिजीनेस, और आप लोग ने मुझे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा है कि इसको कैसे हटाएं, इसके लिए क्या कर सकते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेयर फ्रिजीनेस कैसे निकाल सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको वाइड कॉम यूज़ करना पड़ेगा, जो शॉर्ट ब्रिसल्स नहीं है वो ईजीली आपका सारी गूंज जो बोलते हैं बाल के सारा हटा देगा। एंड स्टेप टू है, आप जब भी हेयर वॉश करें, आप जैसे ये टॉवल लेंगे, ज़ोर से रब ना करें बाल को, स्लोली सारा वाटर, एक्सेस वाटर निकाल दें ऐसे। अगर आप ऐसे करें तो बाल टूट जाएगा और वो फ्रिजी हो जाएगा आपके बाल। एंड स्टेप थ्री, हेयर वॉश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ये सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए ताकि आपके बाल फ्रिजी ना हो। स्टेप फोर, कंडीशनर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको अपने बालों के एंड्स में लगाना है। और शैम्पू और कंडीशनर में ये डिफरेंस है, शैम्पू आपके स्कैल्प के लिए है ये क्लेंस करने, और कंडीशनर सिर्फ एंड्स के लिए, तो दैट ये आपके बाल सॉफ्ट बनाता है, कंडीशन करता है और मॉइस्चर रहेगा आपके बालों में, ये फ्रिजीनेस निकाल देगा। एंड स्टेप फाइव, एक सीरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं यूज़ करती हूँ ये मोरक्कन आर्गन ऑयल। सो ये आर्गन ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए। थोड़ा सा आर्गन ऑयल लें, ऐसे स्प्रेड कर दें पाम्स में, और इसे सिर्फ एंड्स में लगाएंगे। ये आपके बालों को अच्छा शाइन भी देगा और ये मॉइस्चर भी रखेगा आपके बालों में, और ये फ्रिजीनेस हटा देगा कम्प्लीटली। टिप नंबर सिक्स, अगर आप हेयर स्प्रे यूज़ करें, रिमेंबर वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए, नहीं तो ये आपके बाल बहुत ड्राई कर देगा और फ्रिजी कर देगा। टिप नंबर सेवन, ये मेरा लास्ट टिप है, ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक सिल्क स्कार्फ टाई करें सोते वक्त, क्योंकि कॉटन का जो पिलो केस होता है आपके बालों का सारा मॉइस्चर निकाल देगा, सो सिल्क स्कार्फ उसे प्रोटेक्ट करेगा। सो दीज वर अ फ्यू टिप्स, ये आप ट्राई करें, आपके सारा फ्रिजीनेस बालों का निकाल देगा, आई स्वेयर। और आप भी अगर आपके पास कोई टिप्स हैं तो मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आई विल सी यू सून गाइस, थैंक यू सो मच।